खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 2024 के चुनावी सीजन 2 की। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनावी एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, उनके चार एडवाइजर बैठे, वो क्या इस रियासत को जान सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बायकॉट के बदले बैलेट को चुना। जम्मू कश्मीर में भी इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा और हम वहां सरकार बनाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया, जो भी बिठाया बैठेगा तो वो लोगों की मर्जी से बैठेगा। तो देश में 2024 का चुनावी राउंड 2 आज से शुरू हो चुका है। आज चुनाव आयोग ने देश के 2 राज्यों यानी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन कैलेंडर रिलीज कर दिया है और इन दोनों राज्यों में आज से ठीक 48 दिन के बाद नई सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होंगे जबकि हरियाणा में 1 ही चरण में चुनाव होगा। इन दोनों राज्यों के चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी जबकि हरियाणा में 1 ही राउंड यानी कि 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी और दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। इसका मतलब ये है कि 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा में नई सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा। हरियाणा के मुकाबले जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों पर देश का ध्यान थोड़ा ज्यादा होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहला मौका है जब परिसीमन के बाद हिंदू बहुल जम्मू की ताकत भी उतनी है जितनी मुस्लिम बहुल कश्मीर की। यानी कि इस बार के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री चुनने में जम्मू का दबदबा भी उतना ही रहेगा जितना कश्मीर का है। इस बार मुख्यमंत्री और नई सरकार के भाग्य का फैसला सिर्फ कश्मीर के हाथों में नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि परिसीमन के बाद जम्मू में 43 विधानसभा सीटें हैं जबकि कश्मीर में 47। लेकिन इससे पहले 70 साल तक जम्मू कश्मीर की सरकार चुनने में कश्मीर का पलड़ा भारी रहता था। 2020 में हुए परिसीमन से पहले जम्मू में 37 विधानसभा सीटें हुआ करती थी जबकि कश्मीर में 46 हुआ करती थी और यही वजह है कि आज तक जम्मू कश्मीर की सरकार में कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों का दबदबा हुआ करता था और इसीलिए 2020 में हुए परिसीमन का नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीजीपी ने जमकर विरोध किया था। दोनों पार्टियों के नेताओं ने तो यहां तक आरोप लगा दिए कि परिसीमन का मकसद जम्मू कश्मीर में पहली बार हिंदू मुख्यमंत्री बनाना हो सकता है। परिसीमन को लेकर कांग्रेस के नेता सैफुद्दीन सोज ये कह चुके हैं कि बीजेपी कश्मीर का हिंदूकरण करना चाहती है। विपक्ष के आरोप इसीलिए भी है क्योंकि बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मार्च 2022 में कार्यकर्ताओं से कहा था कि जम्मू कश्मीर में पहला हिंदू मुख्यमंत्री बनना पार्टी का अहम लक्ष्य है। और परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें हैं। इसमें जम्मू की 43 और कश्मीर की 47 सीटों के अलावा पीओके के लिए भी 24 सीटें जो है वो रखी गई हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा में पहली बार एसटी वर्ग के लिए 9 और एससी वर्ग के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी गई हैं जबकि सामान्य वर्ग के लिए 74 सीटें होंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन सीटों में 2 सीटें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी आरक्षित रखी गई हैं। यानी कि पीओके की 24 विधानसभा सीटों को मिलाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में 114 विधानसभा सीटें हैं लेकिन चुनाव जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर होने जा रहा है। खुद फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे। और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की दूसरी मुख्य पार्टी यानी कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की ओर से चुनाव लड़ने को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया था कि वो 370 की वापसी और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। घाटी में बदलाव की बयान। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, उनके चार एडवाइजर बैठे, वो क्या इस रियासत को जान सकते हैं। कश्मीर में भी इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा
और हम वहां सरकार बनाएंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव को तैयार। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहला चरण 18 सितंबर को, दूसरा चरण 25 सितंबर को और तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को कराया जाएगा। 4 अक्टूबर को मतगणना होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता का फैसला भी सामने आएगा। डेट ऑफ पोल विल बी 18th of September and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August and phase 3 nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October. इससे पहले जम्मू कश्मीर में साल 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय जम्मू कश्मीर की 87 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15, कांग्रेस ने 12 और अन्य पार्टियों ने 7 सीटें जीती थी। लेकिन 5 सितंबर 2019 को धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर काफी बदल चुका है। जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा भले है, लेकिन यहां की सरकार के पास अब पहले जैसे अधिकार नहीं होंगे। पहले जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार ही सब कुछ थी, लेकिन अब उपराज्यपाल सबसे ऊपर होंगे। पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर पर उपराज्यपाल का अधिकार होगा, जबकि बाकी सभी मामलों पर चुनी हुई सरकार फैसला कर सकेगी। हालांकि उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी होगी। दूसरा बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर की सीटों को लेकर हुआ है, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटें थी। जम्मू में 37, कश्मीर में 46 और लद्दाख में 4 सीटें थी। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में 24 सीटें होती थी, लेकिन परिसीमन के बाद सीटों का समीकरण बदल गया है। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें हो गई है। पीओके के लिए अब भी 24 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन यहां चुनाव नहीं कराए जा सकते। वहीं लद्दाख में विधानसभा ही नहीं है। इस तरह से कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से इस बार 90 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व रखी गई हैं, जिन्हें कश्मीरी प्रवासी कहा गया है। उपराज्यपाल विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नामित कर सकेंगे, जिनमें से 2 कश्मीरी प्रवासी और 1 पीओके से विस्थापित सदस्य होगा। जिन 2 कश्मीरी प्रवासियों को नामित किया जाएगा, उनमें से 1 महिला होगी। उम्मीद और जमहूरियत की ऐसी झलक ये बताती थी कि आवाम तस्वीर बदलना चाहता है और अपनी तकदीर को खुद लिखना चाहता है। और वैली ने वायलेंस को नकारा और वॉइस को वोट के माध्यम से आगाज किया। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बुलेट और बायकॉट के बदले बैलेट को चुना। तो जेएनके में टोटल 87.09 लाख इलेक्टर्स होंगे, जिसमें लगभग ऑलमोस्ट इक्वल 44.46 लाख मेल और 42.62 लाख फीमेल वोटर्स होंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव का ऐलान होने पर राजनीतिक पार्टियों ने भी खुशी जताई है। सबका दावा है कि जनता का साथ उनको जरूर मिलेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, अपनी सरकार बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन में लोग हमें वोट करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने जिस प्रकार से 10 साल में आम लोगों को, गरीबों के लिए जो कार्य किए हैं, यहाँ आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा है, पत्थरबाजी बंद हुई है, डेवलपमेंट के बहुत बड़े कार्य शुरू हुए हैं। जरूरी जो 10 साल के बाद है, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुनने का अवसर मिला है, ताकि ये नहीं कहेंगे कि दिल्ली से इसको बिठाया, उससे बिठाया। जो भी बिठाया बैठेगा तो वो लोगों की मर्जी से बैठे। मैं लड़ूंगा, जब स्टेटहुड रिस्टोर होगा मैं उतर जाऊंगा और उमर साहब उस सीट से लड़ेंगे। मैं कहता हूँ जी वो 100 के 100 ले लें। वो तो ये भी कहते थे ना, क्या भूल गए, 370 पार। अब देखिए उनको कितना मिला। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन शांति से चुनाव करवाने में चुनौतियां बहुत होंगी और इन चुनावों में सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद। दरअसल धारा 370 हटने के बाद से ही जम्मू कश्मीर में अपना एजेंडा चला रहे पाकिस्तान को लोकसभा चुनाव के शांतिपूर्वक हो जाने से बड़ा झटका है।
ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव भी शांति से हो गया तो उसका बचा कुचा एजेंडा भी धराशायी हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान इन चुनावों में बड़ी अशांति फैलाने की फिराक में है, जिसे पार पाना चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती होगा। मार्च में लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद से ही आतंकी घटनाओं में तेजी आ गई है, जो लगातार बढ़ भी रही है। पिछले 10 दिनों में ही जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें सेना के कैप्टन समेत 3 जवान शहीद हुए हैं। वहीं अप्रैल में चुनाव के पहले चरण से लेकर जुलाई तक 11 आतंकी हमले हुए, जिनमें 12 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। 28 अप्रैल को उधमपुर में आतंकी हमला हुआ, 4 मई को पुंछ में आतंकी हमला हुआ, 9 जून को रियासी में आतंकी हमला हुआ, 11 जून को कठुआ और डोडा में आतंकी हमला हुआ, 6 जुलाई को कुलगाम में आतंकी हमला हुआ, 7 जुलाई को राजौरी में आतंकी हमला हुआ, 8 जुलाई को कठुआ में आतंकी हमला हुआ और 15 जुलाई को डोडा में आतंकी हमले की वारदात हुई। और डोडा में हुए आतंकी हमले के बाद से ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं, और चौथे दिन भी आज आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन जारी है।